So children, in the last video, I stopped after reaching at this point, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. What is this? This is the general form of pair of linear equation in two variables. I have raised here to explain you about each and every word, pair, linear equation, variables, everything. It is explained to you many times. So here this is the general form of the pair of linear equation in two variables, and what we are looking for, we are looking for the solution of this equation. So very first we'll talk about solution of this equation geometrically. Here see, this is linear equation in two variables, this is linear equation in two variables. In class 9th you would have dealt with such type of questions. आपको equations दो दिए रहते थे, उसको graph बनाने के लिए बोला जा रहा था। अब यहाँ पे दो equation है, दो equation में graph, अगर आप इसको, इस दोनों equation को अलग अलग table बना के, अलग अलग solution बना के अगर आप graph बनाओगे तो first just write down the graphical representation of pair of linear equation in two variables. Graphical representation. Graphical representation of pair of linear equation in two variables. In two variables. X and Y. X and Y is, यहाँ पे लिखेंगे आप फिर से a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट मी स्पीक यू, लेट मी से यू, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हम इस दोनों इक्वेशन का कॉम्बाइन सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक्स और वाई का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सीधे सीधे बात है कि ये एक इक्वेशन होगा, ये एक इक्वेशन होगा, और आप उस दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, अलग अलग टेबल बनाओगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट ढूंढोगे और अलग अलग ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ बनने के बाद जो हमारे सामने सिचुएशन आएगा वो सिचुएशन कितने कितने तरह का होगा, तो कहता है कि वो सिचुएशन सिर्फ तीन तरह का आएगा। उसमें पहला होगा विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग if a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2, means अब आप इस दोनों का ग्राफ बना के देखोगे, ग्राफ बिना देखे हुए भी आप कंडीशन बता सकते हो कि अगर आपके सामने सिंपली इक्वेशन है तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि अगर आपका उसका ग्राफ बनाओगे तो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। कब इंटरसेक्ट करेगा? अगर हम उसे कोफिशियंट को कंपैरिजन करेंगे, दिस इज a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 इज द कोफिशियंट ऑफ x, a2 इज द कोफिशियंट ऑफ x इन द नेक्स्ट इक्वेशन, b1 इज द कोफिशियंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड b2 इज द कोफिशियंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। इफ वी हैव अ इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, इट मींस अगर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है तो क्या होगा? ये इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको ध्यान देंगे आप, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का कोई हम एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर सॉल्यूशन आएगा। क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको और एक चीज हम बोलते हैं, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट, ये ध्यान रखना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो एक आध एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स का समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0,
A1 क्या है यहाँ पे, कोफिशियंट ऑफ x, दैट इज 1. व्हाट इज A2? कोफिशियंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन 2. सो A1 अपॉन A2 यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू व्हाट इज कमिंग 1/2, एंड B1 अपॉन B2 इज कमिंग, B1 अपॉन B2 इज कमिंग व्हाट, 2/3. सो इट कुड बी सीन दैट A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कम्स अंडर दिस. और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे अलग अलग तो डेफिनेटली वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा. सॉल्यूशन क्या होंगे उसके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे. यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई का एग्जैक्टली कोई एक वैल्यू आएगा, और वो आप ग्राफ से भी बता सकते हो. अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो इसका सॉल्यूशन होगा. तो बाकी कुछ एग्जांपल्स आप खुद से भी कर सकते हो. तो ये पहला कंडीशन हो गया, इंटरसेक्ट करेगा. दूसरा कंडीशन होता है ये चीज ध्यान रखना है आपको, दूसरे कंडीशन के लिए कहता है, सेकंड है will represent overlapping और coincident. इसका मतलब समझना आप. अब अगर आप फिर से दो ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, जैसे हमने ये बनाया, ये एक लाइन आया, दूसरा लाइन भी बिल्कुल इसी पे आया, इसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट. ये आपको समझना है. तो इसके लिए किस तरह की कंडीशन होना चाहिए, हर केस में हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कोफिशियंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन में कोफिशियंट का कंपैरिजन कर रहे हैं. तो उसको कंसिडरेट करने के लिए इसका जो कंडीशन होता है ये होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा इसमें, ये जैसे पहला वाला कंडीशन था हमारा इंटरसेक्ट हो रहा था, ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है. अब सपोज करो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा. इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. ये चीज आपको समझना है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे बता पाते हैं. तो ये इंटरसेक्टिंग के केस में एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, इसीलिए एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, इसीलिए एक्जैक्टली वो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है. और इसको भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ कंसिस्टेंसी, इसमें भी जिसके जिसके सॉल्यूशंस होंगे वो सब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. तो ये दो केस हो गया. और एक तीसरा केस जल्दी से निपटाते हैं. तीसरा केस होता है, थर्ड कंडीशंस होता है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, तीन ही होते हैं, एक इंटरसेक्ट करता है, ओवरलैप करेगा या कोइंसाइड करेगा, तीसरा पैरेलल होगा. तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, थर्ड लिखेंगे विल पैरेलल इफ व्हाट, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, not is equals to C1 upon C2. Not is equals to C1 upon C2. तो अब A1 upon A2 not is equals to B1 upon B2 means, चलो इसका एक example ले लेते हैं, 2x plus 3y plus 5 is equals to 0. यहाँ लिख लेते हैं 4x plus 6y plus 7 is equals to 0. A1 by A2, 2y 4, 1 by 2. B1 by B2, 3 by 6, 1 by 2. Not is equals to C1 upon C2. अगर इस तरह की equation का आप graph बनाओगे तो graph कैसा आएगा, वो graph parallel आएगा, कुछ इस तरह से आएगा. अब इस दोनों के बीच में कहीं intersection नहीं है, चाहे आप इसको जितना extend कर लो, आप चाहे इसको जितना extend कर लोगे, ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो solution नहीं होगा. तो that's why in this case no solution, और इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये तीन कंडीशंस हैं जो ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये तीन आएंगे, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या ओवरलैप करेगा, या पैरेलल होगा, और कोई कंडीशंस आपको नहीं मिलेगा. तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि ज्योमेट्री के लिए आप
सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब आगे आता है, चलो ठीक है, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया, अब अलजेब्रिक सॉल्यूशन का क्या, अलजेब्रिक सॉल्यूशन का क्या, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन दिस वुड बी एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। आपको अगर अलजेब्रिक सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का निकालना है, कहीं भी आपके सामने अगर इक्वेशन है, सपोज करो हमने लिखा 2x + 3y + 5 = 0 एंड मैंने लिखा 3x + 2y + 7 = 0। अब आपको पूछा जा रहा है कि भाई आपको इसको ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन भी करना है और अलजेब्रिक भी सॉल्यूशन भी करना है। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला टिप्स है आपके लिए कि आप सबसे पहला चीज ये देखोगे कि यूनिक सॉल्यूशन को ओबे करता है कि नहीं करता है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन इज फॉर दोस ओनली वेयर इट वुड बी एग्जैक्टली एप्लीकेबल फॉर दोस वेयर It would be only the unique solution. यहाँ पे 2/3 notice goes to 3/2 हो रहा है। इसका मतलब इसमें x और y का value आएगा, इसको हम algebraic solution कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि algebraic solution for the equation it would be implemented for those where a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2. So whenever you are going to solve this type of equation algebraically, what you need to check, whether it would obey a1 upon a2 is equals to not. Not is equals to b1 upon b2 or not. And then if it is so, then we have three methods. The very first is called substitution method. We'll do questions. Then you will understand what exactly the meaning of the substitution method. Second is elimination method. And third one is cross multiplication methods. So substitution methods, as in the name it is given, you know, so it's better to have few questions along with all these methods and will help clearly why it would be discussions with the questions of exercises. So we'll do it in the next video. Thank you.